दोस्तों ये चंद्रकला बनाई है मैंने बहुत ही आसान तरीके से, तो बिना ज्यादा मेहनत करे भी हम इन्हें बना सकते हैं। आप जरूर देखिएगा मेरी इस रेसिपी को। नमस्ते दोस्तों, मैं संगीता चौधरी ओम साई राम फूड किचन में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चंद्रकला बनाने की रेसिपी। ये चंद्रकला खाने में बहुत टेस्टी होंगी, जूसी होंगी, एकदम रस भरी और खस्ता होंगी, बनाने में बहुत ज्यादा आसान होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है, मेरी वीडियोस पसंद आ रही है, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। तो चंद्रकला बनाने के लिए सबसे पहले हम डो लगाएंगे। ये वाले 2 बाउल लूंगी मैदा, तो ये लगभग 250 ग्राम मैदा है। हमें यहाँ पर 2 चुटकी लेना है बेकिंग पाउडर, तो इससे जो हमारी चंद्रकला की परत बनेगी वो थोड़ी क्रिस्पी बनेगी और चाशनी होगी वो बिल्कुल अंदर तक फिट हो जाएगी, तो ये बहुत ही जरूरी है। और दोस्तों 2 बाउल मैदे में आधा बाउल मैं यहाँ पर घी डालूंगी। घी को मेल्ट करके ही डालना है, तो हम घी डालेंगे मोयन के लिए। तो घी को हम डालेंगे और अच्छे से मिलाएंगे। दोस्तों मोयन के लिए घी या तेल अगर आप नाप कर नहीं ले रहे हैं तो आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं। मैदे में घी मिलाने के बाद देखिए जो मैदा है वो हाथ से आराम से बंध रहा है, तो मोयन बिल्कुल परफेक्ट है। और अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका एक डो बनाएंगे, जैसा हम रोटी का डो बनाते हैं उससे थोड़ा सा सख्त डो बनाना है हमें। तो यहाँ पर गर्म पानी नहीं लेना है, नॉर्मल पानी लेना है। अगर आप ये चंद्रकला सर्दियों में बना रहे हैं तो थोड़ा गर्म पानी ले सकते हैं। दोस्तों अगर आप बिल्कुल सर्दियों में ये चंद्रकला बनाए, घी की जगह रिफाइंड ऑयल का मोयन दे, घी से थोड़ी गाढ़ी पड़ जाती है हमारे मैदे में। दोस्तों जो हमारा डो है वो बाइंड हो चुका है, तो देखिए रोटी के डो से थोड़ा सा हमने टाइट रखा है, ज्यादा टाइट भी नहीं करना है। तो दोस्तों मैं इसे किचन स्लेब पर ही रख करके थोड़ा सा सॉफ्ट कर लूंगी हाथ से। आप ढक करके 15 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। तो डो को 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रखा हुआ है, क्योंकि डो के अंदर हमने बेकिंग पाउडर डाला है वो भी थोड़ा डो को फुलाता है। तो इसलिए जब तक हमारा डो तैयार होता है हम चाशनी और हमारी स्टफिंग तैयार कर लेते हैं चंद्रकला के लिए। तो स्टफिंग के लिए मैंने यहाँ पर 1 बाउल मावा लिया है, लगभग 200 ग्राम मावा है ये। हमारी स्टफिंग को मीठा करने के लिए मैं यहाँ पर आधा बाउल बूरा ले रही हूँ। आप चीनी का पाउडर भी ले सकते हैं चीनी को पीस करके। तो अगर आप थोड़ा ज्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो यहाँ पर चीनी की मात्रा को बढ़ा सकते हैं, लेकिन चंद्रकला को चाशनी के अंदर डालना होता है इसलिए हम अंदर मीठा बहुत ही कम डालेंगे। और जो हमारा मावा होता है ये भी थोड़ा मीठा ही होता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर आधा बाउल बुरा लिया है। ड्राई फ्रूट्स में मैंने 10 बादाम को कट कर लिया है, 10 काजू को कट कर लिया है, 2 चम्मच मैंने चिरौंजी ली है, चिरौंजी से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और यहाँ पर आधा बाउल मैंने लिया है कोकोनट पाउडर, तो कोकोनट पाउडर की जगह आप ड्राई कोकोनट को कद्दूकस करके भी ले सकते हैं या स्किप भी कर सकते हैं। तो हलवाई लोग जो होते हैं वो चंद्रकला में सूजी नहीं डालते हैं, लेकिन अगर आपको सूजी पसंद है तो थोड़ी सी सूजी को आप भून करके स्टफिंग में मिला सकते हैं। तो फ्राई पैन को गर्म कर लिया है और फ्राई पैन में जो हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं मैंने डाल करके हल्का भून लूंगी। दोस्तों जो हमारे काजू बादाम और चिरौंजी है वो ड्राई रोस्ट हो चुके हैं बस 2 मिनट में। तो अब इसमें डालूंगी मैं कोकोनट पाउडर और बस 30 सेकंड के लिए इसे चला चला करके भून लूंगी। कोकोनट पाउडर जो होता है ये बहुत ही बारीक होता है, तो ये बहुत ही जल्दी भुन जाता है, जलने का डर भी रहता है, इसलिए हम बस 30 सेकंड के लिए इसे भून लेंगे। तो देखिए मैं गैस फ्लेम को बंद कर देती हूँ और सारे ड्राई फ्रूट्स निकाल देती हूँ बाउल में। अब इसी फ्राई पैन में मैं डालूंगी ये मावा। दोस्तों 2 मिनट में हमारा मावा भुन चुका है, बस गैस फ्लेम को बंद कर देते हैं। तो अगर आप मावा घर में बना रहे हैं तो आप चाहे तो मावे को ना भूने, लेकिन अगर हम मार्केट से मावे को लाते हैं तो उसे भूनना जरूरी है। तो इसे थोड़ा ठंडा कर लेते हैं। दोस्तों जो मावा है वो ठंडा हो चुका है, हमें गर्म मावे में ड्राई फ्रूट्स और चीनी को नहीं मिलाना है। तो अब इसमें हम ये ड्राई फ्रूट्स डालेंगे जो हमने ड्राई रोस्ट करके रखे हुए हैं, और यहाँ पर डालेंगे पिसी हुई चीनी। तो मैं यहाँ हाथ से मिला रही हूँ।
स्टफिंग वाला मिक्सचर है ये, बिल्कुल आराम से हाथ से बंध रहा है, बाइंड हो रहा है, तो हमें बिल्कुल ऐसा ही रखना है स्टफिंग को। तो दोस्तों अब हम करेंगे चाशनी तैयार। 2 बाउल लिया है चीनी, और जितना हम चीनी लेंगे उससे आधा लेंगे पानी, तो यहाँ पर मैं 1 बाउल पानी लूंगी। अच्छे से मिलाएंगे। तो अब मैंने गैस ऑन कर दिया है, तो गैस हम ऑन चीनी और पानी को अच्छे से मिलाने के बाद ही करेंगे, क्योंकि अगर हम पहले गैस ऑन करके ही कढ़ाई को रख देंगे और चीनी डालेंगे तो चीनी जल जाएगी। तो अब हमें इसे पकाना है जब तक कि चीनी अच्छे से मेल्ट नहीं हो जाती है, लगभग 3 से 4 मिनट में जो हमारी चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। और यहाँ पर मैं थोड़े से डालूंगी केसर के धागे, तो ये ऑप्शनल है। और दोस्तों अब डालूंगी मैं यहाँ पर 4 हरी इलायची हल्की कूट ली है मैंने ये, और जिन लोगों को इलायची का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है वो इलायची पाउडर स्टफिंग में डाल सकते हैं चंद्रकला की। और चाशनी को हम यहाँ पर मीडियम फ्लेम पर ही कुक करेंगे, क्योंकि अगर हाई फ्लेम पर हम कुक करते हैं तो उससे क्या होता है कि चीनी आधी तो मेल्ट हो जाती है और आधी मेल्ट नहीं हो पाती है और वो गाढ़ी हो जाती है। तो इसलिए हमें लो फ्लेम पर या मीडियम फ्लेम पर ही चाशनी को पकाना है चलाते हुए। दोस्तों चीनी अच्छे से घुल चुकी है और देखिए थोड़ी चिपचिपी हो गई है हमारी फिंगर्स में। देखिए एक तार या दो तार की चाशनी नहीं बनानी है, थोड़ी चिपचिपी रखनी है। बस अब गैस फ्लेम को हम बंद कर देंगे और लगभग 15 मिनट हो गए हैं हमारे डो को बनाए हुए। तो अब हम इस डो को बस 1 मिनट के लिए गूंथ लेंगे किचन स्लिप पर ही। देखिए जो हमारा डो है हमने बेकिंग पाउडर डाला था तो उसकी वजह से बिल्कुल अच्छे से फूल चुका है। तो दोस्तों जो हमारा डो है इसे हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक लोई को बना लिया है आधे पार्ट से, और अब हम इस लोई को बेलन की हेल्प से बड़ा करना है, इसे फैलाना है। तो हम थोड़ा सा किचन स्लेप पर लगा लेंगे तेल, या देसी घी भी लगा सकते हैं मेल्ट करके, सूखा मैदा भी लगा सकते हैं, सूखा मैदा लगाने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। दोस्तों जो हम रोटी बनाते हैं रोटी से थोड़ा सा मोटा रखना है हमें। तो दोस्तों अब हम या तो कोई बाउल लेंगे या गिलास लेंगे, मैं ये बाउल ले रही हूँ, ना तो ये ज्यादा छोटा बाउल है और ना ही बहुत बड़ा बाउल है, और इस तरीके से मार्क करके हम कट कर लेंगे। तो इस तरीके से बहुत ही जल्दी बन जाती है हमारी ये पूड़िया। और दूसरी बात ये होती है जब हम छोटी छोटी लोइया बनाकर की पूड़ियों को बनाते हैं तो उनमें साइज की प्रॉब्लम आती है, कोई बहुत बड़ा बन जाता है कोई छोटा बन जाता है, लेकिन अगर इस तरीके से हम कट करके बनाएंगे तो सारी पूड़िया बिल्कुल एक जैसी बनेगी। तो देखिए हमें इतनी बड़ी पूड़ी रखनी है। दोस्तों हमारे डो से लगभग 16 पूड़िया बनकर के तैयार हो गई हैं, तो 16 पूड़ियों से हमारी 8 चंद्रकला बन जाएंगी। और थोड़ा सा डो बचा हुआ है जिससे मैं बाद में बनाऊंगी चंद्रकला। इस तरीके से हम बॉल बनाएंगे छोटी छोटी स्टफिंग से, और एक पूड़ी के ऊपर रख करके देख लेंगे कि हमारी जो बॉल का साइज है वो ठीक है। तो देखिए बिल्कुल एकदम परफेक्ट है। तो हम इतनी बड़ी बड़ी बॉल बनाएंगे और इन पूड़ियों के ऊपर रख लेंगे एक ही बार में बना करके। तो दोस्तों अब बारी आती है चंद्रकला बनाने की, चंद्रकला को शेप देने की। तो सबसे पहले हम पानी लेंगे और जो हमारी पूड़ी का कॉर्नर है इस पर पानी लगाएंगे अच्छे से, जिससे कि दूसरे वाली पूड़ी अच्छे से चिपक जाए, और जिस पूड़ी को हम ऊपर से रखने वाले हैं उसके कॉर्नर्स पर भी अच्छे से पानी लगाएंगे, क्योंकि चंद्रकला जो होती है उसे फ्राई करते टाइम वो खुलनी नहीं चाहिए, इसलिए अच्छे से हमें बंद करना है। और इस तरीके से हम रखेंगे इसे दूसरे वाली पूड़ी के ऊपर और थोड़ा प्रेस करके इसके कॉर्नर्स को दबा देंगे। तो दोस्तों हमने इस तरीके से यहाँ पर अच्छे से चिपका दिया है, और अब हम थोड़ा सा पानी यहाँ पर लगाएंगे और यहाँ से हम एक पिंच इस तरीके से दबाएंगे और अंदर की तरफ मोड़ देंगे, फिर से थोड़ी दूरी पर फिर से ऐसे दबाएंगे, और थोड़ी थोड़ी दूरी पर इसी तरीके से करते हुए हम चारों तरफ ये डिजाइन बना लेंगे। तो देखिए दोस्तों हम इस तरीके से चारों तरफ इसमें लेयर्स डाल देंगे। ये वाला डिजाइन तो नॉर्मल डिजाइन होता है चंद्रकला का जो हाथ से बनाया जाता है, हलवाई लोग तो ये डिजाइन बना ले, हलवाई लोगों को प्रैक्टिस होती है। अगर आप मेरे तरीके से बनाएंगे तो उससे क्या होगा, एक तो चंद्रकला वाली शेप आ जाएगी और एक थोड़ा जल्दी बन जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बनाने में, कोई सीखना नहीं होगा। तो मैंने एक पूड़ी के ऊपर यहाँ पर रखी हुई है स्टफिंग,
और अब मैं यहाँ पर पानी लगाऊंगी कॉर्नर्स में, और अब हम दूसरे वाली पूड़ी लेंगे उससे कॉर्नर्स पर भी अच्छे से पानी लगा देंगे, और इस तरीके से रख करके ऊपर से प्रेस करते हुए दबा देंगे। जो ये ऊपर वाला पार्ट है इसे नीचे कर देना है इस तरीके से। इन वाले कॉर्नर्स को फोक से कट करना है जैसे मैं दिखाऊंगी आपको। बस ध्यान ये रखना है कि जहां पर स्टफिंग है वहां पर फोक नहीं लगना चाहिए। तो हम इतने इतने पार्ट में यहाँ पर फोक से मार्क कर देंगे इस तरीके से। हमें मार्क अच्छे से दबा करके करना है, और अब इसे फिर से सीधा करना है ऐसे, और थोड़ा सा यहाँ पर कॉर्नर्स में पानी लगा देना है। और अब जो हमारे ये फोक वाला जो नीचे वाला पार्ट है उसे इस तरीके से मोड़ना है ऊपर की तरफ। एक बार दिखा देती हूँ आपको, ऐसे अंदर की तरफ मोड़ना है। देखिए तो हमने पानी लगाया हुआ है यहाँ पर, तो इसलिए थोड़े चिपकते चले जाएगा। और नीचे रख करके एक बार हम जो फोक का पीछे वाला पार्ट है इसे दबा देंगे जिससे कि वो चिपक जाए अच्छे से, तो जो लेयर्स हैं खुलेंगी नहीं लास्ट तक। तो देखिए हमारी कितनी बढ़िया जो चंद्रकला हमने बनाई है फोक से, और कितना बढ़िया डिजाइन बन गया है हमारी चंद्रकला का। ये देखिए जो मैंने चंद्रकला बनाई है और प्रैक्टिस करके मैंने बनाई है, और ये मैंने बिना प्रैक्टिस के फटाफट फोक से बना दिया है। तो देखिए कितना आसान तरीका है। तो हम इस तरीके से बाकी चंद्रकला बनाएंगे। दोस्तों जो तेल है वो हमने गरम कर लिया है, देसी घी में भी चंद्रकला बना सकते हैं। तो देखिए तेल अच्छे से गरम हो चुका है, बस गैस फ्लेम को अब मीडियम कर दीजिए और डालिए चंद्रकला। तो अब हमें गैस फ्लेम मीडियम ही रखना है, और मीडियम गैस फ्लेम पर इन्हें हल्का ब्राउन होने तक फ्राई करना है। ये देखिए दोस्तों जो हमारी चंद्रकला है अच्छी फ्राई हो चुकी है। तो अब इन्हें निकाल देते हैं और सारी जो हमारी चंद्रकला है उन्हें इसी तरीके से फ्राई कर लेते हैं। तो चंद्रकला को तेल में डालने के बाद गैस फ्लेम मीडियम कर देना है, और जब हमारी चंद्रकला तैरकर ऊपर आ जाएंगी, देखिए हम इनकी साइड चेंज करेंगे, और साइड चेंज कर करके हम इन्हें अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो इसी तरीके से हम सारी चंद्रकला को फ्राई कर लेंगे। बस यही तरीका है चंद्रकला को फ्राई करने का। दोस्तों हमारी चाशनी हल्की गर्म होनी चाहिए, और जो इलायची है उसे निकाल देते हैं, क्योंकि इलायची का जो टेस्ट है जो खुशबू है वो तो हमारी चाशनी में अच्छे से हो चुकी है। और अब जो हमारी चंद्रकला है वो डालते हैं। तो लगभग 5 मिनट के लिए हम ऐसे ही इन्हें डिप करके छोड़ देंगे, और बीच में एक बार इन्हें पलट देंगे, तो इससे जो चाशनी होगी वो अच्छे से फिल हो जाएगी हमारी चंद्रकला में। दोस्तों लगभग 5 से 6 मिनट हो चुके हैं, और देखिए जो हमारी चंद्रकला है वो अच्छे से फिल हो चुकी है चाशनी से। तो बाकी चंद्रकला को भी इसी तरीके से चाशनी में डिप कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों हमारी प्यारी प्यारी जूसी जूसी चंद्रकला बनके तैयार हो गई है, और इन्हें डेकोरेट करेंगे हम चांदी के वर्क से और कटे हुए पिस्ता से। ये देखिए दोस्तों हमारी जो चंद्रकला है कितनी जूसी है, खस्ता है और क्रिस्पी है। तो कैसे लगी आपको हमारी ये वीडियो, बताइएगा जरूर। धन्यवाद।